स्टूडेंट, तो आप सभी बच्चों का हमारे एसबीए एकेडमी रामला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज फिर हम अपना पांचवी क्लास के लिए एक नया लेक्चर लेकर हाजिर हुए हैं, ठीक है। आज हमने नौवीं प्रश्नावली तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और हम एक बार आठवीं प्रश्नावली तक और नौवीं और दसवीं एक बार अपने छोड़ते हैं, ठीक है। अपने लास्ट में करेंगे प्रश्नावली हम 11 की बात करते हैं। प्रश्नावली 11 है बच्चों हमारी, समय यानी टाइम, ठीक है। इनमें जो बेसिक बेसिक बातें हैं उनका हम अभी ज्ञान लेते हैं। बेसिक बातें क्या है, सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि एक मिनट में, यदि मैं एक मिनट की बात करूंगा, एक मिनट में बच्चों 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 60 सेकंड। कितने होते हैं? 60 सेकंड, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड। दूसरी बात, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं? 60 मिनट, ठीक है। शॉर्ट में एक ऐसे भी लिखा जाता है, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपको याद रखना है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 60 सेकंड में एक मिनट होता है, एक सेकंड में 1/60 मिनट आएंगे, ठीक है। और ऐसे बोल सकते हैं कि 60 मिनट में एक घंटा होता है, एक मिनट में 1/60 परसेंट, ठीक है। ये सब बातें आपके नोट करने वाली हैं और समझने वाली हैं, इसको आप लिखिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपनी प्रश्नावली नंबर 11 की बात करते हैं। लिख लीजिए, बराबर
जो है तो बराबर होता है 60 सेकंड के, ठीक है, एक मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, एक बटा पांच मिनट बराबर आएगा 60 बटा पांच सेकंड के, उसके साथ गुणा कर देना है, 60 में 5 का भाग दीजिए तो 12 आ जाएगा, यानी 1 बटा 5 मिनट जो है वो 12 सेकंड के बराबर है, इसके बराबर आएंगे 12 सेकंड, ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए। फिर आपको चौथा जो है पहले का आपको खुद करना है, प्रश्न नंबर हम 2 की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2 दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है जोड़ कीजिए, क्या करना है हमें जोड़ कीजिए, 2 घंटे 42 मिनट का 4 घंटे और 4 मिनट का, पहले दे रखा है 2 घंटे और 42 मिनट, प्लस करना है हमें 4 घंटे और 10 मिनट का जोड़ करना है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 घंटों में हम 4 घंटे जोड़े, घंटों में घंटे जोड़ लीजिए, 2 घंटों में 4 घंटे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 6 घंटे आ जाएगा, 42 मिनट है और 10 मिनट है दोनों को जोड़िए, 42 और 10 कितने आते हैं 52, तो 6 घंटे और 52 मिनट कितना आ जाएगा, घंटों में घंटे जोड़ने हैं और मिनट में मिनट जोड़ने हैं, 2 और 4 6 घंटे हो गए, 42 और 10 को जोड़ना है तो 52 मिनट, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसका मैं आपको 3 नंबर बता रहा हूं, नंबर में बच्चों हमें दे रखा है 4 घंटे 25 मिनट और 45 सेकंड, यानी 4 घंटे, ठीक है, और 4 घंटे 25 मिनट और 45 सेकंड, प्लस करना है हमें 7 घंटे 12 मिनट और 5 सेकंड, 7 घंटे 12 मिनट और 5 सेकंड, 12 मिनट और 5 सेकंड, सभी के अंदर सेम से में 4 घंटे हैं तो घंटों में घंटे जोड़िए, 4 और 7 कितने हो जाएंगे 11, यानी 11 घंटे 25 मिनट है, इधर 12 मिनट है, तो 25 और 12 कितने हो जाएंगे बच्चों, 25 और 12 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 37, कितने हो गए 37 मिनट, 45 और 5 को जोड़ेंगे तो 50 सेकंड आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 50 सेकंड, यही हमारा क्या करना है, घंटों में घंटे जोड़ने हैं, मिनट के अंदर मिनट जोड़ने हैं, सेकंड के अंदर सेकंड जोड़ने हैं, इसको नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, अब प्रश्न नंबर 2 में तो हमने जोड़ना था और प्रश्न नंबर 3 में हमने घटाव करना है, तो क्या करना है घटाव, इसमें हम पहला देखते हैं बच्चों, 12 घंटे प्रश्न नंबर तीसरे का पहला, 12 घंटे 18 मिनट में से 9 घंटे 32 मिनट घटाइए, 12 घंटे 18 मिनट घटाने का मतलब कम करना है, 9 घंटे 50 सेकंड,
आपको यदि कम करना है डायरेक्ट, यदि आपको कम करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपको क्या करना है कि ये 12 घंटे हैं इनको आप मिनट में चेंज कर लीजिए। इसमें मिनट के अंदर जैसे अभी बताता हूँ कि एक घंटा है 60 मिनट के बराबर होता है, तो 12 घंटे बराबर किसके हो जाएंगे, 12 6 72 यानी 720 मिनट के, ठीक है। और 12 घंटे प्लस में 18 मिनट कर दीजिए, तो 12 घंटों को मिनट में चेंज किया तो 720 मिनट प्लस में 18 मिनट। अब आपके पास ये कितना आ जाएगा बच्चों, दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 20 और 10 20 30 और 38 यानी 738 मिनट, ये कितना आ गया 738 मिनट। अब इसी प्रकार से इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो इधर देखिए एक घंटे में 60 मिनट, 9 घंटों में 9 6 54 यानी 540 मिनट, यानी अब हमें याद करना है 9 घंटे और 32 मिनट, ठीक है। तो 9 घंटों को हमने मिनट में चेंज किया, 440 मिनट प्लस में 32 मिनट, टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा 572 मिनट, 500 कितना आ जाएगा 72 मिनट। अब ये 572 मिनट आ चुके हैं और ये 738 मिनट आ चुके हैं। अब दोनों का मतलब कर लेते हैं, यानी ऐसे 738 मिनट में से 572 जो है वो कम करना है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 में से 2 गया कितना आ जाएगा 6, 3 में से 1 जाए 3 में 7 जाते हैं आंसर लिए, 13 में से 6 7 गया तो कितना आ जाएगा 6, इधर बचा 6, 6 में से 5 गया तो 1, यानी 166 मिनट आएगा, कितना आएगा 166 मिनट, ठीक है बच्चों। ऐसे नहीं करना तो आपको क्या करना है बच्चों कि पूरी यूनिट को आप मिनट के अंदर चेंज कर लीजिए, जैसे 12 घंटे हैं प्लस में 18 मिनट, इसको क्या बोलेंगे हम 12 घंटे 18 मिनट, इसको बोलते हैं 9 घंटे 32 मिनट। हमने क्या किया 12 घंटों को मिनट के अंदर चेंज कर लिया, टोटल को हमने मिनट में चेंज कर लिया, 738 मिनट बने और एक बने 572 मिनट, 738 मिनट में से 572 मिनट हमने कम कर लिए, तो हमारे पास कितना आ गया 166 मिनट आ चुके हैं, यही हमारा आंसर। घंटों में चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार से प्रश्न नंबर आप 3 जो कंप्लीट करके रखिएगा, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों अपना प्रश्न नंबर 4 5 और 6, प्रश्न नंबर 3 तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखिएगा बच्चों, उसके बाद में फिर हम अपने नेक्स्ट प्रश्नावली की बात करेंगे। यहाँ तक आप जो है अपना यानी 11वीं प्रश्नावली जो मैंने अभी स्टार्ट करवाई है उसके 3 प्रश्न आपने कंप्लीट करने हैं अच्छे तरीके से। समय है, समय की मैंने जानकारी आपको पहले से दे दी थी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और ये भी बता दिया था कि सेकंड को मिनट में कैसे चेंज करना है, ठीक है, मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करना है, और घंटे को मिनट में और मिनट को घंटे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट पर्सन के साथ, ये पर्सन हमारे जो छूटे हुए हैं 4 5 और 6, ठीक है, फिर हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे।